हे hey फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसर मांगा चैप्टर 190 के बारे में, जो स्टार्ट होता है काशिमो के ब्लास्ट से। पुराना ब्लास्ट के छींटे दिखते हैं, फिर पांडा दिखता है अचानक से छोटे से कॉर्प्स में, बहुत प्यारा सा दिखता है। फिर हमें काशिमो पानी के बाहर आता दिखता है, वो बोलते हैं अच्छा मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दिया पर हकारी को मार ही दिया। फिर हकारी उसका घूंचा मार के हंस के बोलता है मुझे पता था तू मेरा हाथ किसी भी कीमत पर लेना चाहता है, इसके लिए मैंने अपने हाथ में वो बाइंडिंग कर लिया जिससे कि मैंने अपने हाथ को दिया पर बॉडी बचा लिया, क्योंकि अब मैं डोमेन नहीं खोल पाऊंगा पर मैं जिंदा हूँ। काशिमोन बोलता है मुझे मार दे भी, बोलता है नहीं चल हम लोग टीम अप करते हैं, तू मेरे साथ आ जा। बोलती नहीं, बोलता है मैं एक कीमत पे करूँगा तेरे साथ टीमिंग। तो बोलता है ठीक है चलता है। तो पांडा बोलता है इसको क्यों छोड़ा, इसको मार क्यों नहीं देते है? बोलता है नहीं ये अब हम लोग के साथ घूमेगा। बोलता है क्यों, बोलता है नहीं हम मैंने फैसला किया ना तू छोटा है मेरे से अभी। तो फिर काशिमो बोलता है पर मैं एक शर्त पे आऊँ याद रखना। बोलता है हाँ चलेगा जितने लोग उतना अच्छा। फिर हमें वो राइटर दिखता है पुराना जिससे हाकारी पहले झगड़ा रहता है। राइटर को बोलता है और कैसा है, बोलता है हाँ तू मार के भी चला गया। बोलता है नहीं यार चलता है जिंदगी जियो ऐसे जियो मज़ा है। चल तू बता तेरी कॉमिक कौन सी है, मैं वो पढ़ूंगा खरीद के। बोलता है आज तक मैंने कॉमिक नहीं लिखा, मैं तो अभी नूबी हूँ। तो हकार उसको लात मारता है, तो बहुत कॉमेडी सीन दिखता है वो देख के। तो फिर उसके बाद वो वी चाहती है वहाँ पे, बोलती है हम लोग को जो 4 रूट डायल करना था हम लोग ने कर लिए, 2 रूट डायल हो गया, जो एक था यूजी डाडोरी करता है पॉइंट ट्रांसफ़र वाला, और दूसरा 100 पॉइंट्स पे करी गेम से विड्रॉ करने वाला, और तीसरा कांटेक्ट करने वाला एक दूसरे से, और चौथा स्विच करने वाला अंदर बाहर। तो बोलती है कि हम लोग तीसरा बाद में करेंगे उसकी ज़रूरत नहीं, हम लोग को पहले चौथा करना पड़ेगा। तो हकारी बोलता है ठीक है कर लेते। तो उन लोग करते हैं। फिर वो बोलती है कि माकी जानिन अंदर आ चुकी है कलिंग गेम के। तो हकारी बोलता है वो कैसे आई, क्योंकि वो शायद कर्स एनर्जी उतना कर पाती हो इसके लिए वो शायद अंदर ना आ पाए। तो बोलती है नहीं वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। तो माकी जानिन का फोटो देखते हैं एकदम खूंखार सा टोए फुशीगोरो जैसा एकदम, और वो अपने भाई के साथ आती है। फिर लोग दोनों बात करते थे, उसका भाई बोलता है मुझे लगता है तू ही थ्रोन के लिए सही है, मतलब जेनिन क्लैन का बॉस बनने के लिए। माकी बोलती नहीं तू ही सही है। उन लोग दोनों ऐसे बात करते थे, अचानक से उन लोग एक प्रेजेंस फील करते हैं, अचानक से डर जाते हैं। फिर एक नई कर स्पिरिट अंदर आती है और बोलती है जो ऐलान करता रहता अपना, उसको बोलती है शर्ट अप और आई किल यू, और इस पे मांगा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।